नीम, सीताफल, धतूरा, इन पत्तों से जैविक खाद तैयार कर रही दमोह जिले की इन ग्रामीण महिलाओं की मेहनत पहली नजर में भले उनकी अपनी आजीविका के लिए कोशिश दिखाई दे, लेकिन ये महिलाएं एक पंथ से कई काज कर रही हैं। इस जैविक खाद की बदौलत हमारे भोजन की थाली में केमिकल्स नहीं आएंगे। इस जैविक खाद की बदौलत धरती बंजर होने से बचा ली जाएगी। देखिए किस तरह महिलाओं को सशक्त करने के ये प्रयास कई मायनों में सार्थक हो गए। जो दीदी हरे आई हैं, हमें दवाई बता रही हैं, इससे हमें फायदा है कि इल्ली भी मरती है और चाय गोबर की चाय बना के खात जा गोहन में भी फायदा बनती है यूरिया खतौरा, इससे भी हमें फायदा है, इसलिए हम दवाई भी बना सकते हैं। धनिया पालक है, मेथी बहते हैं, तो पोषण वाटिका हम तरह तरह की सब्जियां साथ बन क्यारियां बनाते हैं गोला आकार में, अलग अलग सब्जियां लगाते हैं और नाडे में जैसे नाडे खोदते हैं गहरे गड्ढा करके, खोद करके हम लोग उसको पहले ताजे गोबर से लीपते हैं और गोबर लीप के फिर हम लोग मिट्टी डालते हैं, फिर गोबर का घोल डालते हैं, फिर कचरा डालते हैं उसमें, कचरा डाल के फिर गोबर का परत लगाते हैं। देखने में साधारण ग्रामीण महिलाएं दिखाई दे रही हों, लेकिन इन महिलाओं का हुनर इन खिलते खेतों में दिखाई देता है। दमोह जिले की 35 महिलाओं का ये समूह अब केवल मेहनत कश किसानों का समूह नहीं है, ये वो विशेषज्ञ किसान हैं जो किसानों को नीम, सीताफल, धतूरा, बेशरम और गौमूत्र से कीटनाशक तैयार करने की ट्रेनिंग देती है। ये महिलाएं अब आसपास के राज्यों में जैविक खेती के लिए विशेषज्ञ बतौर बुलाई जाती हैं। हाल ही में ये उत्तर प्रदेश में किसानों को ट्रेन करके आई हैं। आजीविका का मेन उद्देश्य है बचत करना, रसायन खाद से दूर रहना, जैविक खाद का प्रयोग करना, जैविक खाद, जैविक दवाई, इससे हम लोग बहुत बचत कर सकते हैं। हम लोग यूपी भी गए थे, वहाँ पे भू नाडे, टटिया नाडे, पोषण वाटिका, पीला बोर्ड, सफेद बोर्ड, आजीविका थाला निर्माण सभी कुछ सिखाया और बहुत कुछ हम लोगों ने वहाँ से सीखा। हम लोग बनाते हैं दवाई और सबको सिखाते हैं, खुद भी उपयोग करते हैं, क्या है पैसा भी खर्च नहीं होता हम लोगों का, और जो अपनी धरती माता है, जो जमीन है, जो विषैली दवाइयों से भरी हुई है, उससे हम लोग क्या है जैविक खाद बनाते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, इससे हमारी जो धरती माँ है वो बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग जैविक खेती करेंगे तो इससे धरती माँ भी सही रहेगी, और जो अपन लोग दवाई का खा रहे हैं, सब कुछ दवाई खा रहा है, तो बीमारी भी बहुत बढ़ रही है। इन महिलाओं ने पहले खुद ट्रेनिंग ली और अब आसपास के राज्यों में बताती हैं कि नीमास्त्र क्या है और ब्रह्मास्त्र क्या, और पोषण वाटिका कैसे तैयार की जाती है, और इनके जीवन में जो बदलाव आया वो ये कि अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं भर नहीं है, ये लखपति किसान बन चुकी है। नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र है, ये जो है इनके आसपास में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उन पौधों की पत्तियों को लेके और गौमूत्र के साथ में उनका मिक्स करके मिक्सचर बना के और उबाल कर इस तरह से वो तैयार करवाते हैं, और जिससे कि इनका उपयोग ये अपने खेतों में कर सकें, जैविक के रूप में इस्तेमाल करें। खेत में जैविक कीटनाशक, जमीन पर जैविक खाद, स्त्री की ममता का एक रूप ये भी तो है कि किसी थाली में केमिकल वाली जहरीली तरकारी न जाए, कि जैविक खाद के सहारे धरती बांझ होने से बचा ली जाए। दमोह में आशीष कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।